और मजे की बात तो ये है कि जो उनका उनका जो विधायक जखनिया बेदी राम, ये समझ लीजिए एक दो मामले हों तो हों, नौ नौ मामले जो व्यक्ति जेल गया हो। और हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश भिजवाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे विधायक के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, विधायक को जेल जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार के सह पर ये इतने बड़े नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, पढ़े लिखे शिक्षित समाज के साथ बड़े पैमानों पर धोखा देने वाले एनडीए गठबंधन के साथ लोग हैं। इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, भेजवाना चाहूँगा कि नई कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके दल से वो विधायक हैं वो तो भाई सरगना हैं, अब बहुत बड़े सरगना हैं। आज देख लीजिए सफाई दे रहे हैं कि हम तो नौकरी देने वाले और नौकरी दिलाने वाले, हम दोनों लोग साथ हो गए। अब इसमें साक्ष्य की क्या जरूरत है, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो खुद प्रमाणित कर दिए हैं कि मेरे साथ वैसा बड़े पैमाने पर। और एक दो प्रदेश में अगर इस तरह का हो तो हो, देश के कम से कम 200 प्रदेश में इस तरह का नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के साथ बड़े पैमाने पर जो पेपर लीक का मामला है, हम ये मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये मांग करेंगे कि तत्काल ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही होना चाहिए जो उनका सरगना है ओम प्रकाश राजभर, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पदमुक्त करना चाहिए। नहीं तो ये जान लीजिए शुद्ध रूप से ये हम लोग, हम गरीब समाज के लोग, हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग इसको शुद्ध रूप से मान लेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री के सह पर ही ये काम हो रहा है। हम बिल्कुल हम लोग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात का हम लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए, दोनों नेताओं को जेल जाना चाहिए और उनके साथ साथ उनके बेटों का भी जांच होना चाहिए। जांच इस बात का लेकर के होना चाहिए जो बड़े बड़े उन लोगों का बोल है, बड़ बोल नेता हैं, इस चीज की जांच होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। भाई प्रेस के लोग, चैनल के लोग, अखबार के लोग तो तमाम दबाव बना रहे हैं, लेकिन लोगों को जवाब देने से एक तो एक दोनों लोग भाग रहे हैं, एक तो दरवाजा बंद करके भाग रहे हैं कि नहीं हम नहीं सफाई देंगे, और एक कह रहे हैं कि भाई जो किया है उससे पूछिए। अरे भाई आप टिकट दिए तो आप नहीं जाने, आप टिकट दिए तो आप नहीं जाने, सीना ठोक करके कहते हो कि महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं, तुम्हारे जैसे सीना ठोकने वाले व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो 19.5 वर्ष तक जो समाज तुमको जमीन से उस ऊंचाई तक पहुंचाया, उस समाज को थोड़ा थोड़े धोखा दिए हो, बड़े पैमाने पर तुमने धोखा देने का काम किया है। जबकि 17 में समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी से इनका गठबंधन हुआ था, गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी इनको 17 सीट दिए थे, ईमानदारी से 17 सीट दे करके ईमानदारी का फर्ज उन्होंने निभाना शुरू किया, लेकिन ये आदमी सबको धोखा दिया, समाज को भी धोखा दिया, सुहेलदेव जी को आगे करके। अभी इसी 24 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा दोनों लोग घुटना टेक दिए। महाराजा सुहेलदेव जी 1.25 लाख सेना लेकर के जो देश पर चढ़ाई किया था विदेशी लुटेरा, महाराजा सुहेलदेव जी ने अपने बूते, अपने संघर्ष के बूते, लड़ाई के बूते देश में उन्होंने समानता कायम किया, लेकिन उन्हीं का वंशज जो सीना पर ताल ठोकता है कहता है कि हम असली सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, इसी 24 के चुनाव में घुटना टेक दिए। और एक जगह तो एक जगह, दर्जनों जगह लोगों ने घुटना टेका है, और अगला दिन उलाट करके उसी का बयान लोग दे रहे हैं कि नहीं 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 हम लोग शिष्टाचार, लोगों से माफी मांगे। अरे भाई शिष्टाचार, पहली बार तुम छोड़े चुनाव लड़े हो, 17 में बांसडीह जा करके लड़े, 22 में आप जा करके शिवपुर विधानसभा लड़े, हैं, और 24 में आकर के यहाँ लोकसभा लड़े, हैं।